नमस्कार, स्वागत है आप सभी का भीलवाड़ा लोकवाणी में। गुटखा तंबाकू की कालाबाजारी पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। एक तरफ जहां आम आदमी कोरोना महामारी के संक्रमण से घरों में दुबक कर बैठा है, वहीं दूसरी ओर कई दुकानदार जरूरतमंद वस्तुओं को औने पौने दामों में बेचकर मुनाफा कमाते नजर आ रहे हैं। रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा में गुटखा तंबाकू उत्पादों की कालाबाजारी की बार बार शिकायत मिलने पर आज रसद विभाग की टीम ने शहर के रोडवेज बस स्टैंड पर बड़ी कार्रवाई की। सार्वजनिक स्थल पर गुटखा तंबाकू बेचते हुए और वह भी इस भयंकर महामारी के दौर में दुगुने तिगुनी दरों पर उत्पाद बेचते हुए छुट्टनलाल मारू की बालाजी कैंटीन को अगले आदेश तक सील लगाकर सीज कर दिया गया। जिला रसद अधिकारी के प्रतिनिधि प्रवर्तन अधिकारी अमृत कुमार मिश्रा ने कार्रवाई करते हुए बताया कि कैंटीन मालिक द्वारा खाद्य सामग्री पर अंकित मूल्य से अधिक मूल्य वसूलने के कारण आज इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। प्रशासन की इस कार्रवाई से कालाबाजारी करने वाले व्यापारियों में हड़कंप मच गया। वहीं दूसरी ओर बस स्टैंड पर ही कार्रवाई के दौरान बस में चढ़ते उतरते समय कंडक्टर व जनता की लापरवाही साफ साफ नजर आई। जनता के बीच सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती दिखी। कई लोग बिना मास्क के धक्का मुक्की करते नजर आए। रोडवेज प्रबंधन की ये लापरवाही कई शहर में कोरोना महामारी के संक्रमण को बढ़ावा तो नहीं दे रही। देखिए भीलवाड़ा लोकवाणी से पुनीत चपलोत की ये रिपोर्ट। 2021 को कैंटीन धारी श्री छुट्टनलाल के विरुद्ध पत्रकारों द्वारा की गई शिकायत के संदर्भ में पूर्व भी श्री छुट्टनलाल को समझाया गया कि अवैधानिक रूप से जो है इनको आवंटित नहीं है वो सामान बेचने के लिए प्रतिबंधित किया गया। इसके पश्चात भी नहीं माने और इसके पश्चात जो है आज जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार जो कमेटी आई उसके समक्ष जो सामान आवेदन के रूप से जो पकड़ा गया सामान उसको सीज किया गया। हम ऐसा करते हैं और हमारे साइन पर सामान नहीं पता है, नहीं मिलता नहीं है और ये जो है अवैधानिक रूप से जो है छुपा के रखते हैं ये सामान। अगर रखते हैं तो क्या कार्रवाई होगी? इसके आगे जो है या तो अगर ही कमेटी तय करेगी, मुख्यालय को लिखेंगे, अगर वो मुख्यालय के निर्देश प्राप्त होंगे तो कैंटीन निरस्त करेंगे। जो है कैंटीन का आवंटन मुख्यालय के निर्देशानुसार निर्धारित मापदंड के अनुसार ही दिया जाता है, जिसमें किसी के वक्त भी कैंटीन चालक पैसा दिया जाता है। बिल्कुल गलत कथन है, जिसके संबंध में हमारे प्रबंधक वित्त से जो है आप पूरी विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हम एवं देन इनसे किसी प्रकार का चाय तक का भी वास्ता नहीं रखते हैं। ये सूचना मिली थी कि रोडवेज बस स्टैंड के अंदर तंबाकू सिगरेट वगैरह का ज़्यादा दाम पे और अनुमत नहीं होने पे भी, क्योंकि अभी लॉकडाउन की स्थिति है, वहाँ कर्फ्यू चल रहा है, उसके बाद भी ये बेच रहे थे, जिससे COVID-19 की जो गाइडलाइन है उसका उल्लंघन हो रहा था। तो मौके पे आकर हमने उस दुकान को सील कर दिया और जो भी आगे की कार्रवाई होगी वो करेंगे अपन। तो सर कितने टाइम तक के लिए इनको सील? आगामी आदेश तक के लिए सील किया है। स्टे अपडेटेड ऑलवेज विद भीलवाड़ा लोकवाणी न्यूज़ ऐप। हम लाते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ आपके लिए हर दिन। कभी भी कहीं भी देखें ताज़ा खबरें आपके मोबाइल पर। देखे न्यूज वीडियोस किसी भी टाइम। हमारे साथ जुड़े रहे और डाउनलोड करें भीलवाड़ा लोकवाणी ऐप, अवेलेबल ऑन प्ले स्टोर। डाउनलोड नाउ। और सब्सक्राइब करना ना भूले आपका अपना भीलवाड़ा लोकवाणी यूट्यूब चैनल।